अस्सलाम वालेकुम। किया स्पोर्टेज अल्फा हमारे पास सिंध घोटकी से आई है और इसको हम करने लगे हैं रैप। नार्डो ग्रे के अंदर इसको रैप करेंगे और इसका जो ऊपर वाले पिलर्स वगैरह हैं और जो साइड मिरर्स हैं इसको हम करेंगे ग्लॉसी ब्लैक में रैप। और इसके जो रिम्स हैं ये रिम्स भी ग्लॉसी ब्लैक करेंगे। इसके इंटीरियर में भी कुछ करेंगे, इसकी हेडलाइट्स में अल्पाइन गोल्ड, इसकी फॉग लाइट्स में अल्पाइन गोल्ड और इसके अंदर डायनामिक एम्बिएंट लाइट्स भी लगाएंगे। तो अभी ये हमारे पास आ चुकी है, इसकी इनिशियल लुक आप चेक कर लें। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसके बम्पर्स की अलाइनमेंट आउट है, इसकी हेडलाइट्स की अलाइनमेंट आउट है, इसके अंदर कुछ थोड़ा डेंटिंग वगैरह का काम होगा और उसके बाद इसका जो सारा सिस्टम है ना वो ओके कर दिया जाएगा। तो अभी ये गाड़ी हमारे पास सर्विस होके आ चुकी है और अब हम इसको आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद इसको लगा देंगे हम अपनी बेसमेंट में और अपना काम स्टार्ट करेंगे। गाड़ी इसके अंदर हमारे स्टूडियो के अंदर लग चुकी है और इसके अंदर जो बम्पर्स हैं इसके अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इसकी यहाँ से अलाइनमेंट वगैरह आउट है, हेडलाइट्स वगैरह का मसला है, ये यहाँ से रिपेयर्ड है, यहाँ से भी कोई रिपेयरिंग हुई हुई है, हेडलाइट्स भी रिपेयर हुई हुई हैं, यहाँ पे कुछ डेंट्स वगैरह हैं, तो कल कुछ डेंटिंग वगैरह का काम होगा थोड़ा बहुत और उसके बाद ये गाड़ी रैप कर दी जाएगी। यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम है डेंटिंग का, यहाँ से ड्राई डेंट निकले हुए हैं इसके और इसके जो एयर प्रेसर हैं बहुत ही लो क्वालिटी के लगे हुए। ये देखें इसके अंदर टी एक्स आर के एयर प्रेस लगाए जाएंगे, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के एयर प्रेस होते हैं। ये देखिए सारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ हुआ है क्रोम, ये लो क्वालिटी के एयर प्रेस लगाने से ये प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के एयर प्रेस लगाए गए होते तो ये प्रॉब्लम ना आता। ये देखें टेप्स के अंदर कितना कितना गैप था, पूरी एक बकायदा टेप नहीं लगाई गई इसके अंदर। ये इस चीज में लचक है, ये छोटी है, ओ ये डैमेज है जी, इसके भी प्रॉब्लम है, इसके लेफ्ट साइड आ रहा है, देखिए ये लाइट सारी बैक है ओपन है, देखिए वाटरप्रूफ नहीं लाइट, लाइट खुली है ना, लाइट खुली है लेकिन ये
नहीं ऐसा तो मैंने कभी कोई आपका बंपर जा चुका है आप